हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एमयू एंट्रेंस एकेडमी। आई एम आतिफ। आज आपके सामने टॉप 40 क्वेश्चंस ऑन सिटीज, रिवर्स और वर्ल्ड फैक्ट्स के लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एमयू या जामिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, 11 एंट्रेंस हो, बी ए, बी एल एल बी, एम बी ए, बी एड या कोई भी एग्ज़ाम, UPSC, SSC, CGL, हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए ये वीडियोस लाने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँ। और दोस्तों अगर आपको PDFs वगैरह चाहिए या मटेरियल्स एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ टॉप 50, टॉप 60 क्वेश्चंस की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और मिडिवल हिस्ट्री, जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी मैं दे दूंगा। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट वीडियो का आगाज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों निक नेम्स जो होते हैं सिटीज के, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पिंक सिटी, इंडिया की पिंक सिटी किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, आपको सबको पता होगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स। तो सिटी ऑफ पर्ल्स किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज फेमस फॉर गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के लिए कौन सी सिटी फेमस है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली हम किसको कहते हैं, इसको कहते हैं बेंगलुरु को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स जो है दोस्तों, वो इनमें से जो है वो है भोपाल। एक्चुअली दोस्तों सिटी ऑफ लेक्स जो है इंडिया में इस वक्त 7 हैं, जिसमें शिलोंग भी है, उदयपुर भी है और श्रीनगर भी है और कई सारी हैं, मतलब 7 हैं टोटल अब जो आती हैं। लेकिन सबसे पुरानी जो सिटी ऑफ लेक्स है वो भोपाल है, तो आप ये याद रखेंगे भोपाल, ठीक है। क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में पूछते हैं उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन सबसे पुरानी सिटी जो है वो है भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 5 रिवर्स। तो सिटी ऑफ 5 रिवर्स किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पंजाब, ठीक है। आप माने पानी और पंज माने 5, पंजाब, ठीक है। विच सिटी इज नोन एज द ग्लास सिटी ऑफ इंडिया। तो ग्लास सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फिरोजाबाद, कांच की नगरी, ठीक है। कांच का काम बहुत होता है वहाँ, बैंगल्स बनती हैं, ठीक है, कांच का काम बहुत होता है। विच सिटी इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स किसको कहा जाता है, तो वो मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द लेदर सिटी। लेदर सिटी किसको कहा जाता है, तो सबको पता है ये किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। कानपुर में चमड़े का काम बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द एग सिटी। एग सिटी किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है नामक्कल को। नामक्कल को एग सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआंगहो रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। हुआंगहो रिवर का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है बी, चाइना सौरो। चाइना सौरो जो है वो किसको कहा जाता है, हुआंगहो रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर कॉल्ड एज बंगाल सौरो। वो कहा जाता है दामोदर रिवर, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिफ्ट ऑफ द नाइल। तो कौन सी प्लेस को गिफ्ट ऑफ द नाइल कहा जाता है, तो वो इजिप्ट को कहा जाता है, ठीक है। इजिप्ट की नदी है नाइल और लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो इंदिरा सागर डैम जो है वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, नर्मदा। नर्मदा रिवर पे बना हुआ है इंदिरा सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। ठीक है, तो फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स का घर किस रिवर को कहा जाता है, सही आंसर है इसका गंगा, सी ऑप्शन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड। तो अजमेर कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर है लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एट विच प्लेस दस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा। कौन सी प्लेस पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और मिलकर उसको नाम मिलता है गंगा का? तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? तो कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार क्रॉस करती है? तो इसका सही आंसर है माही रिवर, माही रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इन इंडिया इज कॉल्ड द सॉल्ट रिवर? तो इंडिया में सॉल्ट रिवर किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लूनी रिवर, लूनी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया की सबसे छोटी रिवर कौन सी है? तो वह है अरवरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गंगा कॉल्ड इन बांग्लादेश? गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा, तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया? इंडिया की सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? उसका सही आंसर है तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? तो किस प्लेस को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी किस कंट्री को? तो वो क्यूबा को कहा जाता है, क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और दोस्तों, इंडिया में शुगर बाउल किसको कहते हैं, किस स्टेट को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है? बहुत आसान है, जापान, जापान, याद रखिएगा। अफ्रीका इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अफ्रीका को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है डार्क कंटिनेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉटलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, स्कॉटलैंड को और क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ केक्स, लैंड ऑफ केक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज होली लैंड? तो होली लैंड किसको कहा जाता है? जेरूसलम को कहा जाता है, जेरूसलम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट? सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? तो किस प्लेस को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओशन बर्म्यूडा ट्राइंगल रीजन इज लोकेटेड? बर्म्यूडा ट्राइंगल किस ओशन में है? इसका सही आंसर है एटलांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? डेड सी किन दो कंट्रीज के बीच में आता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जॉर्डन एंड इसराइल, जॉर्डन एंड इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स किस कंट्री को कहा जाता है? तो कहा जाता है भूटान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री व्हाइट एलिफेंट्स आर फाउंड? व्हाइट एलिफेंट्स किस कंट्री में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है फिनलैंड, फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड? तो लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, द वर्ल्ड्स कोलंबस जू एंड एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? तो लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है दुनिया का? तो उसका आंसर है ए ऑप्शन, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है? उसका सही आंसर है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? तो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी कौन सी कंट्री उगाती है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ब्राजील। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्ल्ड फैक्ट्स से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड और सिटीज से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है और आप कैसी वीडियो देखना पसंद करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आपसे मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।